मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चल रहे ऐतिहासिक व्यापार मेले में बीती रात एक बड़ा हादसा सामने आया। बता दें कि झूला सेक्टर में नाव झूले में कॉर्नर पर बैठी 40 वर्षीय रेहाना खान नीचे गिर गई, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं घायल होने के बाद महिला को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं इस घटनाक्रम की जानकारी लगने पर मेला प्राधिकरण के सचिव निरंजन श्रीवास्तव और SDM अशोक चौहान तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंचे और नाव वाले झूले का निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित जांच अधिकारी को जांच के लिए निर्देशित किया, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न हो। ग्वालियर से संवाददाता योगेश पिसारिया की रिपोर्ट। आज अभी 6:30 बजे ऐसे सूचना मिली थी कि एक महिला झूले पर से गिर गई है। उस पर से हम लोग आए हैं और देखा है, महिला को अभी परिवार हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करा दिया है। उसके बयान कथन ले रहे हैं कि क्या घटना कैसे घटी है, उसकी जांच कर रहे हैं। ये बिल्कुल हमारी जो NOC जो हमारी टीम देती है, कल हमारे इंजीनियर्स की टीम आएगी, वो समय समय पर निरीक्षण भी करती है। तो कल वो सुबह आएगी और वो देखेगी कि यहाँ पर ये घटना कैसे घटी है और अन्य क्या हम ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे भविष्य में ये पुनरावृत्ति ना हो।